तो दोस्तों इस एलईडी टॉर्च में एक ऐसा कॉमन फॉल्ट है जो लगभग सभी टॉर्च में देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट कुछ सेकंड जलता है और अपने आप बंद हो जाता है, या और जैसे मैं स्विच को यहाँ पर टच करता हूँ तो यह जो लाइट है वह ऑन ऑफ होता है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि इसका जो स्विच है वह खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका एलईडी टॉर्च का स्विच काम नहीं कर रहा हो तो आप उसे बिना चेंज करे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो कुछ सेकंड जलता है और अपने आप बंद हो जाता है, और स्विच को टच करने पर अपने आप जलता रहता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्विच के ऊपर जो कवर लगा हुआ रहता है, ये वाला जो येलो कलर का लगा हुआ आप देख सकते हैं, उसे आपको बाहर निकालना है। हो सकता है आपका टॉर्च का मॉडल अलग हो, उसका जो डिजाइन हो अलग हो, तो आपको क्या करना है, स्विच के ऊपर जो कवर लगा हुआ रहता है उसे ही आपको बाहर निकालना है। तो हम इस तरह से एक स्क्रू को यहाँ से निकाल लिया और इस तरह से खींचेंगे, थोड़ा ढीला हो जाएगा जिससे कि ये जो स्विच है वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम इस स्विच के जो ऊपर ये जो कवर लगा हुआ है उसे इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्विच कवर को बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्विच होता है दोस्तों उसके अंदर जंक लग जाता है या जो कण होता है वह बैठ जाता है, जिस कारण से जो सप्लाई होता है वह प्रॉपर तरीके से लाइट में नहीं आता, जिस कारण से यह जो लाइट होता है वह ऑन ऑफ होता रहता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे चेंज नहीं करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, केरोसिन ऑयल लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के आपको केरोसिन ऑयल लेना है और इसका 2 से 3 बूंद आपको इस स्विच के ऊपर डाल देना है। अगर आपके पास केरोसिन ऑयल नहीं तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बूंद केरोसिन ऑयल डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, उंगलियों को सहायता से आपको इस तरह से आगे पीछे जब तक करना है, तब तक कि इसका जो लाइट है वह स्थायी रूप से जलना स्टार्ट ना हो जाए। तो इस तरह से आपको करते रहना है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगभग 1 मिनट तक या आधा मिनट तक ही करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने इसको स्विच का जो अंदर जंक लगा हुआ था उसको हम इस तरह से करके साफ कर दिया है, और ये जो लाइट का स्विच है वह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। एक ही बार में ऑन कर रहे हैं तो लाइट जल रहा है, इसमें ब्लिंकिंग नहीं हो रहा, यानी कि जो लाइट है दोस्तों वह ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो यानी कि इसका जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अगर आपका भी एलईडी टॉर्च में जो स्विच लगा होता है वह काम नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, आपको स्विच को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसको वापस यहाँ पर लगा लेते हैं और आपको एक बार और जलाकर दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही बार ऑन किया और एक ही बार में जो लाइट है वह जल रहा है या ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।